मार्च पीरियड खत्म हो गया। आज विड्रावल में छात्रा में एक कैंडिडेट अपने विड्रा किया, कोडरमा में दो, छात्रा में एक कैंडिडेट विड्रा होने के बाद अभी वहां पर 22 कैंडिडेट हैं, कोडरमा में दो कैंडिडेट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि छठे चरण के तहत आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए आज 12 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए अब 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। धनबाद लोकसभा सीट के लिए आज 10 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस तरह से धनबाद में 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। रांची लोकसभा सीट के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज 16 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस तरह से रांची लोकसभा सीट के लिए कुल 33 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन 12 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। जमशेदपुर में आज तक कुल 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन वापसी के आखिरी दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो फेस फाइव का विड्रावल आज पीरियड खत्म हो गया। आज विड्रावल में छात्रा में एक कैंडिडेट अपने विड्रा किया, कोडरमा में दो, छात्रा में एक कैंडिडेट विड्रा होने के बाद अभी वहां पर 22 कैंडिडेट हैं, कोडरमा में दो कैंडिडेट विड्रा होने के बाद 15 कैंडिडेट हैं, हसारीबाग में कोई नामिनेशन विड्रा नहीं हुई, वहां पर अभी 17 कैंडिडेट, टोटल फेस फोर फाइव में अपर 54 कैंडिडेट, गांडे में कोई विड्रावल नहीं हुआ, 11 कैंडिडेट। आज फेस सिक्स का लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था। अभी गिरिडीह में आज 29 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 12 कैंडिडेट हैं, टोटल अभी तक गिरिडीह में नॉमिनेशन है 25 है। धनबाद में 19 नॉमिनेशन फॉर्म आज प्राप्त हुआ, उसमें 10 कैंडिडेट हैं, अभी टोटल नॉमिनेशन प्राप्त है 28 है। रांची में आज 38 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 16 कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट है 33। जमशेदपुर में आज 29 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, टोटल 63 नॉमिनेशन हुआ, उसमें 12 कैंडिडेट है, अभी टोटल 32 कैंडिडेट है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर में कैंडिडेट कितना? 32।